एकदम खड़क 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 बहुत तेज़ी आवाज आने शुरू हुई, हमें लग गया कि हो गया काम, पटरी से उतर गई। तो थोड़ी देर बाद काफ़ी देर धूल धक्कड़ उड़ा, उसके बाद जो है ट्रेन हमारी वाली तो रुक गई। तार बार भी जो खम्भे सब टूटे हुए हैं, उसके बाद जो है पीछे देखा तो काफ़ी सारे डिब्बे पलटे हुए थे। पाँच छः डब्बे कम से कम पलटे हैं, हमारे भी ध्यान देंगे। जिन यात्रीगण को पटना और मोगामा जाना है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन आ चुकी है, उधर से एक दिन वापस आएगी। दानापुर बक्सर रेलखंड पर रघुनाथपुर स्टेशन के पास बुधवार की रात 9:45 पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ट्रेन के कुल 23 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 6 डिब्बे पलटकर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा एक डिब्बा दूसरे डिब्बे पर चढ़ गया। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 80 से 100 लोगों की स्थिति गंभीर है। 22 घायलों को देर रात पटना भेजा गया। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि 4 ही लोगों की मौत हुई है। बताया जाता है कि बक्सर से खुलने के बाद ट्रेन तेज रफ्तार से पटना की ओर जा रही थी। रेल सूत्रों के अनुसार जैसे ही रघुनाथपुर स्टेशन गुमटी के पास पहुंची, पॉइंट चेंज करने के दौरान तेज झटके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि 4 स्लीपर बोगियां प्लेटफॉर्म की अंतिम छोर पर पहुंच गईं। क्रॉसिंग के पास पेंट्री कार और उसके बगल के 2 कोच पलट गए थे। इस दुर्घटना में बिजली के कई पोल और तार क्षतिग्रस्त हो गए। जब गाड़ी में हल्का सा झटका समझ में आया, जिसके बाद गिट्टी की आवाज आई, जिसकी वजह से लोग उठे। उठने के बाद इतने में सारे डिब्बे पटरी से नीचे उतर चुके थे तब तक, और जिसकी वजह से झटके की वजह से पीछे वाले डिब्बे थे वो सारे पलट चुके थे। पीछे के 2 से 3 बोगी नंबर B7 में बैठे गोविंद कुमार ने बताया कि बोगियों के पटरी से उतरने के बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि घटना के कुछ ही देर बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और ग्रामीण वहां पहुंच गए और लोगों की मदद में जुट गए। इधर RPF कमांडेंट CK पांडा ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से आ रही थी। डुमराव और बिहिया के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास इसकी 6 से 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। मौके पर तत्काल ब्रह्मपुर पुलिस और डायल 112 की गाड़ी पहुंच गई। रेंज DIG नवीन चंद्र झा भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। DM अंशुल अग्रवाल और पुलिस कप्तान मनीष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। इधर दानापुर से DRM DK चौधरी, RPF इंस्पेक्टर दीपक कुमार, सीनियर DCM सरस्वती चंद और DK पांडा सहित कई वरीय अधिकारी मेडिकल रिलीफ ट्रेन से घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा एक और मेडिकल रिलीफ ट्रेन रघुनाथपुर भेजी गई। अधिकारियों के मुताबिक लोको पायलट को काफी चोटें आई हैं। घायलों का इलाज बक्सर, आरा और पटना में कराया जा रहा है। हॉस्पिटल भेजा गया है, एक डेथ हो गई है और एक बोगी इस तरह से ऐसी स्थिति में है जिसको हम लोग पूरी सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। वही लोग थे जा चुके हैं और जिनको फर्स्ट एड की जरूरत थी, एडिटिव की जरूरत थी, सरकम भी इससे रघुनाथपुर थे। पटना, दानापुर, बक्सर और आरा स्टेशन को घटना के फौरन बाद ही अलर्ट कर दिया गया था। जांच चल रही है सर, इधर से हाँ। अभी सारी बॉडीज को हम लोग देख रहे हैं हाँ। और आपके भी जितने साथी हैं वो भी देख रहे हैं। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी जो एस्टिमेशन है, ऐसा लगता है कि 3 से 4 कैजुअल्टी हुई है, जो अभी हम लोग एस्टिमेट कर पा रहे हैं जी। बाकी इंजुरीज हैं तो वो लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया है जी। और लगातार एम्बुलेंस से हम लोग उनको जहाँ भी पॉसिबल है नियर बाई। इस घटना की वजह से रेल परिचालन बाधित हो गया है, कई ट्रेनें जहाँ तहाँ रुकी रहीं। राजेंद्र नगर कुर्ला एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, पटना बक्सर मेमू सवारी गाड़ी, पटना पुणे सहित दर्जनों ट्रेनें पटना से लेकर आरा के बीच फंसी रहीं। रेलवे ने 21 ट्रेनों का मार्ग बदला है। इन ट्रेनों को DDU सासाराम और आरा होते हुए और कुछ ट्रेनों को DDU गया और पटना होते हुए चलाई जाएगी। दुर्घटना के बाद अप और डाउन दोनों लाइनें ठप हो गईं। 2 ट्रेनें काशी पटना, काशी जन शताब्दी गुरुवार को रद्द रहेगी। बक्सर में जिस स्थान पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे हैं, वहां बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि NDRF, SDRF, जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी और स्थानीय निवासी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, वॉर रूम काम कर रहा है।
वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने बक्सर और भोजपुर के जिलाधिकारियों से भी बात की है और उन्हें जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।